तंदूरी चिकन जी सिखाएंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले भीगे हुए बादाम चाहिए, फिर काजू, किशमिश जो पहले से भीगे हुए हैं, दो बड़े चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे, कुछ मिक्सर आइस डालेंगे। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। अभी हम पेस्ट बन गया है काजू बादाम किशमिश का ऐसा। अब हम इसको दूसरे जार में डालेंगे। अब इसमें हम ये एक बाउल दही डालेंगे, ये हम दूध डालेंगे इसमें ठंडा किया हुआ, फिर हम इसमें 3 चम्मच और चीनी डालेंगे। ये आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, नहीं तो इतना काफी है। अब हम इसमें एक बाउल आलू डालेंगे। अब इसे हम एक बार और मिक्सी में चलाएंगे, जिससे सभी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिल। अब हम इन्हें बाउल में डालेंगे। बाउल में डालने से पहले हम ये काजू किशमिश बादाम और पिस्ता जो हमने पहले से डाल इसमें कट करके रखा हुआ है हम इसमें डालेंगे। अब हम इसके अंदर मिक्सचर डालेंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, इसमें हम केसर डालेंगे, अब हम इसमें रोज सिरप डालेंगे, अब ये खस सिरप डालेंगे इसमें जिसमें और भी कलरफुल हो जाए। अब हम इसे पुदीने की पत्ती और गुलाब के फूलों से गार्निश कर देंगे और फिर सर्व करेंगे। ये इंदौरी, ये हमारे यहाँ की इंदौरी शिकंजी तैयार है पीने के लिए।